अब इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि जो गीज़र के ऊपर ये 3 पॉइंट दिए होते हैं, इसका क्या क्या यूज़ है। जो गीज़र के फर्स्ट राइट साइड में पॉइंट दिया होता है उसका, वो वाटर इनलेट का पॉइंट है। ये देखिए, ये वाटर इनलेट है, यहाँ से वाटर इनलेट जाता है। तो ये पॉइंट दिया हुआ है मैक्सिमम एंड मिनिमम। वाटर का लेवल हमेशा, ये ज़ीरो प्रेशर है, हमेशा आप मिड में रखेंगे वाटर का लेवल, कभी भी इसको मिनिमम पे नहीं रखना। अगर मिनिमम पे रखेंगे वाटर लेवल तो उससे क्या होगा, पानी कम जाएगा और ज़्यादा गर्म होके आएगा। उसके बाद आता है उसके, ये मिडल वाला पॉइंट जो है, ये विंटर और समर का पॉइंट है। विंटर के केस में क्या होता है, इसके अंदर 3 बर्नर्स होते हैं। अगर विंटर पे करेंगे तो तीनों के तीनों बर्नर ऑन रहेंगे, और समर पे रखेंगे तो समर पे 2 बर्नर ऑन रहेंगे। आपको जब अक्टूबर का महीना है या नवंबर का महीना है तो आपको इसको समर पे रखना है। विंटर पे आप तब करेंगे जब ये दिसंबर का महीना होगा। उसके बाद आता है गैस का पॉइंट। ये लो लिखा हुआ है और ये हाई लिखा हुआ है। ये गैस का पॉइंट है, यहाँ से गैस जाती है अंदर। तो अगर आप यहाँ से पानी कम भेजेंगे और गैस को अगर आप बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखेंगे तो उससे क्या होगा, गीजर बर्न हो जाएगा। आपको गैस को भी क्या करना है कि मिड में रखना है। गीजर, गैस गीजर का मतलब ये होता है कि आपको गुनगुना पानी लेना है, जिस पानी टेम्परेचर पे आप नहाते हैं। अगर आप फुल गर्म पानी लेते हैं तो उसके अंदर मिक्सिंग करनी पड़ती है। आपको क्या करना है, गैस को भी मिड में रखना है, पानी को भी मिड में रखना है, इसको समर पे रखना है। विंटर केस में दिसंबर जब आएगा तब आप विंटर केस में रखेंगे, और तब ये गीजर की प्रॉपर इंस्टॉलेशन है।